anything. Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि आज ईद का थर्ड डे है, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि अभी तक ईद हमारी कंटिन्यू है, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाएं। तो हम रेडी हो चुके हैं और हम निकलने लगे हैं। हमारे साथ रहिएगा, आपको बताते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम रिक्शे पे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। हम गांव पहुंच चुके हैं और गंदम की कटाई कर रहे हैं। तो देखें व्यूअर्स, गंदम सारी आंधियों की वजह से गिरी पड़ी है। जल्दी इसकी कोई कटाई करने पे एग्री नहीं होता, तो अब हम खुद इसकी कटाई कर रहे हैं। मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और पीछे कुछ फ्रेंड्स लगी हुई हैं मेरी, वो भी मेरे साथ कटिंग करवा रही हैं। हम मिल के कटिंग कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना कि दिखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन गिरी पड़ने की वजह से ज़रा मुश्किल पेश आ रही है। मकई का खेत है ये हमारा, और हम यहाँ पे ये तोड़ने लगे हैं छल्ली। ये देखें, सॉफ्ट सॉफ्ट बन वाली हमारी ये छल्ली है, इसको हम तोड़ने लगे हैं। तो ये हमने छल्ली तोड़ दी है। ये हमने छल्ली तोड़ ली है, अब देखते हैं इसके अंदर कुछ है अभी कि नहीं है अभी तक। एक मिनट मम्मा, देखते हैं इसके अंदर कुछ है अभी कि नहीं है, ऐसे हमारी मेहनत ही ना ज़ाया हो जाए। हम इसको तोड़ के भी लेके जाएं घर, तो इसके अंदर भी कुछ है। बहुत बालों वाली छल्ली है ये, तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ये भी कच्ची है जी, ये कच्ची है अभी।
ये हमारे काम के नहीं थी, कच्ची अभी चली कोई पक्की नहीं है। चलो जब पकड़ेगी फिर हम आएंगे, फिर हम तोड़ के लेके जाएंगे। अब जी हम लगाने लगे लंबी सी छलांग। देखें जी बच्चे हमारे भागे जा रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे। हम गांव में आए हुए थे, खूब इन्होंने इंजॉय किया, अब थक के बुरा हाल हो चुका है। अब ये जी जा रहे हैं भागे भागे। सो व्यूअर्स, ये था हमारा गांव का टूर जो हमने ईद के थर्ड डे पे किया। हमने तो खैर बहुत इंजॉय किया, गंदम की कटाई भी की, बहुत मज़ा आया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।